नमस्कार मैं रिशु कुमार आप सभी का शिक्षाश्री में स्वागत करता हूं तो चलिए बिना देरी के जी के सुपर थर्टी के क्लास को स्टार्ट करते हैं जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जी के टॉप थर्टी क्वेश्चंस को दस मिनट में पूरा किया जाता है ये थर्टी क्वेश्चंस आपके सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं जैसे कि यू पी ग्रुप डी एस सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं और एक और सूचना कि आप लोग फेसबुक इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहाँ भी एग्जाम से रिलेटेड करेंट अफेयर्स के सेक्शन को कराया जाता है क्विज इन सारे क्वेश्चंस को वहाँ पर पोस्ट किया जाता है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है तो आप लोग सारे जगह जुड़ जाएँ चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम की यहाँ पर तारा होगा टाइपिंग मिस्टेक है वी अपोलोजाइज फॉर डैट शाम की तारा के रूप में जाना जाता है ऑप्शन है बुध यूरेनियम वेनस या फिर प्लूटो यहाँ पर भी इवनिंग स्टार इसका जो सही उत्तर होगा वो सी शुक्र वेनस को बोलते हैं क्योंकि ये पृथ्वी से बहुत ही निकट है अगला क्वेश्चन है डक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या है ऑप्शन है दाल कपास मूंगफली या फिर गेहूं इसका जो सही उत्तर होगा वो बी कपास नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में चांदी प्रमुख मात्रा में पाई जाती है सिल्वर बताना है ऑप्शन है राजस्थान मध्य प्रदेश कर्नाटक या फिर गुजरात इसका जो सही उत्तर होगा वो ए राजस्थान में अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट कंचनजंगा नागा पर्वत या फिर के टू इसका जो सही उत्तर होगा वो ए माउंट एवरेस्ट अगला क्वेश्चन है लेंस की खबर को किस में मापा जाता है ऑप्शन है ल्यूमेन कैंडेला डायोप्टर या फिर एओन इसका जो सही उत्तर होगा वो सी डायोप्टर में अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ था ऑप्शन है आसाम राजस्थान पश्चिम बंगाल या फिर मणिपुर द करेक्ट आंसर इज डी मणिपुर नेक्स्ट क्वेश्चन बंकिमचंद चटर्जी द्वारा कांग्रेस के किस सत्र में पहली बार बंदे मातरम गाया गया था ऑप्शन है 1801, 1903 1896 या फिर 1923। इसका जो सही उत्तर होगा वो सी 1896 1896 में नेक्स्ट क्वेश्चन किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है ऑप्शन है बृहस्पति शुक्र बुध या फिर मंगल इसका जो सही उत्तर होगा वो डी मंगल रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं अगला क्वेश्चन है एल का अर्थ क्या है ऑप्शन है लोकल एंटी नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क लोकेशन एक्सेस नेटवर्क या फिर लोकेशन एरिया नेटवर्क इसका जो सही उत्तर होगा वो बी लोकल एरिया नेटवर्क अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसमें एथोनाइक एसिड होता है ऑप्शन है नींबू का रस संतरे का रस सफ़ेद सिरका या फिर टमाटर कैचअप इसका जो सही उत्तर होगा वो सी सफ़ेद सिरका वाइट विनेगर अगला क्वेश्चन है किस शासक को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है ऑप्शन है औरंगजेब अकबर शाहजहाँ या फिर जहांगीर इसका जो सही उत्तर होगा वो ए औरंगजेब नेक्स्ट क्वेश्चन किस शासक ने दीन इलाही धर्म चलाया था ऑप्शन है अकबर बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब या फिर शाहजहाँ इसका जो सही उत्तर होगा वो ए अकबर अगला क्वेश्चन है तबका ते नासिर पुस्तक के लेखक कौन है ऑप्शन है अबुल फजल, फरिश्ता बदायूनी या फिर मिनहाज उल सिराज इसका जो सही उत्तर होगा वो डी मिनहाज उल सिराज अगला क्वेश्चन ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था ऑप्शन है सत्रह सौ इकसठ सत्रह सौ बहत्तर सत्रह सौ तिरासी या फिर सत्रह सौ चौदह इसका जो सही उत्तर होगा वो ए सत्रह सौ इकसठ में पंद्रहवा क्वेश्चन अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था ऑप्शन है सोलह सौ सोलह ईस्वी सोलह सौ चौंसठ ईस्वी सोलह सौ ईस्वी या फिर सत्रह सौ इकतीस ईस्वी द करेक्ट आंसर इज सी सोलह सौ ईस्वी सिक्सटीन हंड्रेड ए डी नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बैंटिंग सर चार्ल्स मेटॉफ लॉर्ड ऑकलैंड या फिर लॉड एल्ब्रेंड्रो इसका जो सही उत्तर होगा वो ए लॉर्ड विलियम बैंटिंग अगला क्वेश्चन है अठारह की क्रांति के समय किस भारतीय नायक कर ने कानपुर का नेतृत्व किया था कानपुर से किसने लीडरशिप दिखाई थी ऑप्शन है खान बहादुर खां बेगम हजरत महल बख्त खां या फिर नाना साहेब और तानत्या टोपे इसका जो सही उत्तर होगा वो डी नाना साहेब और तानत्या टोपे ये कानपुर से थे बेगम हजरत महल लखनऊ से थी बिहार से बीरकुंवर सिंह थे ये सारे आप लोग याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय रामकृष्ण आत्मराम, पांडुरंग या फिर केशव चंद्र सेन इसका जो सही उत्तर होगा वो ए राजा राम मोहन राय नेक्स्ट क्वेश्चन सूर्य की आयु कितने वर्ष मानी गई है ऑप्शन है सात बिलियन वर्ष पाँच बिलियन वर्ष दस बिलियन वर्ष या फिर दो बिलियन वर्ष द करेक्ट आंसर इज बी फाइव बिलियन ईयर्स अगला क्वेश्चन है चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की कुल दूरी कितनी है ऑप्शन है एक लाख बारह हज़ार चार सौ किलोमीटर सात लाख इक्कीस हजार दो सौ किलोमीटर तीन लाख बिरासी हज़ार दो सौ किलोमीटर या फिर चार लाख छप्पन हज़ार तीन सौ किलोमीटर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी तीन लाख बिरासी हज़ार दो सौ किलोमीटर अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है ऑप्शन है शनि शुक्र बृहस्पति या फिर बुध इसका जो सही उत्तर होगा वो डी बुध अगला क्वेश्चन है हाथियों का देश उपनाम से किस देश को जाना जाता है ऑप्शन है क्यूबा सिंगापुर लाओस या फिर वेनिस इसका जो सही उत्तर होगा वो सी लाओस अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है ऑप्शन है बिहार उत्तर प्रदेश हरियाणा या फिर दिल्ली इसका जो सही उत्तर होगा वो बी उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से बॉर्डर इसका है कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं अगला क्वेश्चन है लंदन किस नदी के किनारे बसा है ऑप्शन है टाइबर टेम्स स्वान या फिर डार्लिंग इसका जो सही उत्तर होगा वो बी थेम्स यहाँ पर टेम्स लिखा हुआ है थेम्स होगा पच्चीसवा क्वेश्चन है बकरवाल किस राज्य की प्रसिद्ध जनजाति है ऑप्शन है आंध्र प्रदेश नागालैंड अरुणाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर इसका जो सही उत्तर होगा वो डी जम्मू कश्मीर का, का अगला क्वेश्चन है किस क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से है ऑप्शन है बादामी क्रांति गुलाबी क्रांति भूरी क्रांति या फिर नीली क्रांति इसका जो सही उत्तर होगा वो बी गुलाबी क्रांति अगला क्वेश्चन है एक सिंह वाले गेंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है ऑप्शन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका जो सही उत्तर होगा वो डी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम में है नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी की खोज किसने की थी ऑप्शन है मैकुलन डॉगमैक जेम्सलिंड या फिर विलियम हार्वे। इसका जो सही उत्तर होगा वो ए मैकुलन अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रुधिर का थक्का बनने का समय कितना होता है ऑप्शन है दस से बारह मिनट तीन से आठ मिनट चार से 6 मिनट या फिर आठ से दस मिनट इसका जो सही उत्तर होगा वो बी तीन से आठ मिनट और आज का लास्ट क्वेश्चन जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है ऑप्शन है लिनहॉक एडवर्ड जेनर रॉबर्ट हुक या फिर हिपोक्रेट्स इसका जो सही उत्तर होगा वो ए लिनहॉक इस तरीके से आज का जीके सुपर थर्टी कंप्लीट होता है ये जी के सुपर थर्टी डेली बेसिस पर दस मिनट में थर्टी क्वेश्चन कराई जाती है जो कि आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इसलिए आप लोग इसे डेली बेसिस पे देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें थैंक यू जय हिंद जय भारत